दोस्तों आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ आप सबके लिए, उसको गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये एकदम ही बेकार फेस पैक है, एकदम खराब फेस पैक है। अब पूछिएगा कि कैसे ये एकदम बेकार और खराब फेस पैक है, तो अब आप बोलिएगा कि इतना खराब और बेकार फेस पैक क्यों आप बनाए हो। तो भाई देखिए, ये फेस पैक है ना, आपके चेहरे के ऊपर रंगत अगर नहीं है, निखार नहीं है, ग्लो नहीं है, तो आपके चेहरे में निखार ला देने वाला है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ये फेस पैक इतना बेकार है कि अगर आपकी स्किन में चमक नहीं है, शाइन नहीं है, तो आपकी स्किन को चमकदार बना देने वाला है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अगर आप पार्लर में जाने वाले हो फेशियल कराने के लिए और आप सोच रहे हो कि जाकर के मुझे डायमंड फेशियल कराना है, तो ये फेस पैक आपके उस डायमंड फेशियल को रिप्लेस कर देने वाला है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये फेस पैक है हद से ज्यादा बेकार, हद से ज्यादा है खराब, क्योंकि बहुत सारे पैसे का आपका करने वाला है बचत, तो इसलिए ये फेस पैक है एकदम बेकार, एकदम खराब। तो इस फेस पैक का तो इस्तेमाल आपको करना ही नहीं है। देखिए, अगर आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियां हैं, झाइयां हैं, रिंकल्स है, इन सब की परेशानी को भी ये फेस पैक एकदम से ठीक कर देगा, तो ये फेस पैक कैसे अच्छा हुआ। इसलिए इस फेस पैक को लगाना तो एकदम ही नहीं है आप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए बेल आइकॉन को क्लिक करना, लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करना, सब कुछ फ्री है। तो प्लीज दिल खोल करके मेरे चैनल पे अगर हैं, तो अगर एज अ गेस्ट देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मुझे और भी वीडियो बनाने की इच्छा होती है। स्टार्टिंग में ही आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, तो फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस सुपर से भी ऊपर वाले फेशियल फेस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए, वो चाहिए कुक्ड राइस, यानी कि पका हुआ चावल। अब ये अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो नॉर्मल आप जो चावल घर में पकाते हो, चाहे वो बासमती हो या फिर टुकड़ा हो, जो भी राइस आपके घर में पका हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि वो व्हाइट राइस होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो, और हाँ, उस राइस के अंदर सॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत होता है ना, बहुत घर में ऐसा होता है जो चावल पकाने के समय हल्का सा नमक डाल देते हैं। तो आप ऐसा करें, जब आप क्या करें ना, अपने लिए थोड़ा सा चावल पहले निकाल लें और उसके बाद अगर आपको नमक डालने की आदत है तो आप नमक डाल लें, बट बिना नमक डाले हुए आपको पहले थोड़ा सा चावल निकाल लेना है, समझ गए आप? कुक्ड राइस आपको लेना है तकरीबन 3-4 स्पून के करीब में आपको ले लेना है, इतना ले लेना है दोस्तों जो कि आपके चेहरे के ऊपर और नेक के ऊपर अच्छे से लग जाए। कुक्ड राइस क्या करता है, आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है, ओपन पोर्स की जो परेशानी है आपको उसकी परेशानी को दूर करता है, चेहरे के ऊपर फाइन लाइन रिंकल्स की परेशानी को दूर करता है, सन टैन की परेशानी को दूर करता है, चाहे भैया किसी भी कारण बस आपकी रंगत कम हो गई हो, चाहे प्रेगनेंसी के बाद हो गई हो या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी रंगत, आपको लग रहा है कि यार प्रेग्नेंट हूँ, मेरी रंगत बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, पता नहीं मैं कौन सा फेस पैक लगाऊं, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि प्रेगनेंसी में इसको लगा सकते हैं प्रेगनेंसी, तो ये एक ऐसा फेस पैक है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप अपने आराम से आप प्रेगनेंसी के टाइम में भी इस पैक को आप लगा सकते हो, ठीक है ना? और सारे स्किन टाइप्स के लिए इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूंगी कौन से स्किन टाइप्स के लिए आपको क्या लेना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो कुक्ड राइस है एक ग्राइंडर के अंदर, साफ सुथरे ग्राइंडर के अंदर आपको डाल देना है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है आपको रॉ मिल्क। ओके, अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपको रॉ मिल्क सूट करता है तो आप रॉ मिल्क ऐड करोगे, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्ने होते हैं, स्कार्स होते हैं, तो आपको अगर रोज वाटर सूट करता है तो आप रोज वाटर ऐड करोगे, अगर आपको दही सूट करता है तो आप दही ऐड करोगे, आप देखें कि आपको कौन सा सूट करता है। तो भैया मुझे तीनों सूट करते हैं, जब जो इच्छा होती है वो डाल करके मैं बना लेती हूँ, तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ रॉ मिल्क, यानी कि जो कच्चा दूध होता है वो। अब बहुत ऐसे होते हैं, मुझे कमेंट आते हैं कि क्या मैं उबला हुआ दूध इसमें ऐड कर सकती हूँ, हमारे स्किन के लिए इसलिए रॉ मिल्क का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, ठीक है ना? ओके, इतना दूध आप ले लोगे जितने में अच्छे से पैक हमारा बन के रेडी हो जाए, ठीक है? अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है हनी। वंस अगेन, मेरा ये पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है, ये फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर काम करता है, आपके चेहरे के ऊपर
अनइवन स्किन टोन की परेशानी को दूर करता है, और अगर आपकी रंगत कम होती जा रही है तो उसकी परेशानी को दूर करता है। जैसे कि दूध और दही आपकी रंगत को बहुत ज्यादा निखारता है, वही काम हनी भी करता है। बट अगर आपको हनी सूट नहीं करता या हनी आपके पास अवेलेबल नहीं, आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको सूट करता है, आपके पास अवेलेबल है, हनी ऐड करोगे आप 1 स्पून। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको अच्छे से ग्राइंडर में कर लेना है ग्राइंड। जब हो जाता है ग्राइंड अच्छे से, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बाउल के अंदर आपको इसे निकाल लेना है। अच्छे से एक बाउल के अंदर निकाल ले। कलर देखिए इसका, इस पैक का कलर देख करके ही आपको लगाने की इच्छा होगी। इतना कमाल का जो है ये इसका कलर होता है। ठीक है, अब एक बाउल के अंदर आपको निकाल लेना है। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है व्हीट फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। अब व्हीट फ्लावर का काम होता है हमारी स्किन को व्हाइटन करना, ब्राइटन करना, लाइटन करना, और अगर आपके चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर की परेशानी है तो उसको दूर करना, यानी कि अनवांटेड फेशियल हेयर की परेशानी को दूर करना। सबसे बड़ी बात भैया, ये सनटैन की परेशानी को तो गजब से जो है टारगेट करता है और हटाता है, यानी सनटैन के लिए परफेक्ट इंग्रेडिएंट है व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर आप कितना ले लोगे, व्हीट फ्लावर ले लोगे आप इतने, जितने में अच्छे से ये पैक बन जाए, तो मैं तकरीबन 2 स्पून के करीब में व्हीट फ्लावर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। करूंगी सबको अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद क्या करना है, अपने साफ सुथरे चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर आपके कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, नो मेकअप, नो दिस, नो डैट, कुछ भी नहीं, साफ सुथरे फेस और नेक के ऊपर आपको इसे अच्छे से लगा लेना है। आप इसे अंडर आई भी लगा लोगे, पूरे अच्छे से फेस और नेक के ऊपर लगा ले। 20 से 25 मिनट तक इसे अपने चेहरे के ऊपर लगा छोड़ दे, और उसके बाद जो है अपने फेस को जो है नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर ले। क्योंकि इसके अंदर राइस है तो ये आपके चेहरे को थोड़ा सा चिपकेगा, तो हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे निकाल लेना। जहां आप फेस को वॉश करते हो, आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। इसे अगर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करते हो तो सफिशियंट है, इससे ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बट आप चाहे तो इसे डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जहां तक इसको लगाने की उम्र की बात है, तो अगर आपके बच्चे की उम्र हो गई है 10 साल की, तो आराम से इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए अंडर आई बच्चे को नहीं लगाना है। जहां तक इस पैक को बना के रखने की बात है, आराम से 7 डेज तक, 7 दिन तक आप फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।